दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार देर रात आउटर रिंग रोड वजीराबाद फ्लाईओवर के पास मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया और प्रवेश मान गिरोह के 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश विरोधी गैंगस्टर गोगी गिरोह के बदमाशों और उसके परिवार वालों पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। इससे पहले पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश और स्पेशल सेल के सब इंस्पेक्टर गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 कट्टा और 19 कारतूस बरामद किए गए हैं। डीसीपी स्पेशल सेल राजीव रंजन सिंह के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम पवन शेरावत उर्फ पौना, आशु उर्फ पगलेट और गौरव त्यागी हैं। पवन शेरावत के खिलाफ पश्चिम बिहार कंझावाला और नरेला औद्योगिक क्षेत्र थानों में हत्या के आरोप, डकैती और आर्म्स एक्ट के पहले के 9 मामले दर्ज हैं। आशु के खिलाफ भी दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गौरव त्यागी की कई साल पहले परवेश मान से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उसने गिरोह ज्वाइन कर लिया था। परवेश मान जेल से व्हाट्सएप कॉल करके गौरव को रंगदानी वसूलने और बाकी तरह के अपराध करने के लिए आदेश देता था। मुठभेड़ में सेल के एसआई विक्रम को भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए हैं। पवन हाल ही में नरेला औद्योगिक में ब्रह्म प्रकाश की हत्या करने के मामले में वांछित था। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए नीरज भवाना और जितेंद्र गोगी गिरोह के बीच कई सालों से गैंग वॉर चल रहा है। पिछले साल गोगी कोर्ट में हत्या कर देने के बाद दोनों गिरोहों में खूनी संघर्ष तेज हो गया है। पिछले 6 महीने के दौरान दोनों गिरोहों के 25 से अधिक सदस्यों की गैंग वॉर में मौत हो चुकी है। 7 मई को गोगी गिरोह के शूटर कपिल उर्फ कल्लू के पिता बनु प्रकाश की गैंग वॉर में नीरज भवाना गिरोह बदमाशों ने खेड़ा खुर्द में हत्या कर दी थी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने वारदात में पवन के शामिल होने की पहचान की थी। 18 मई की रात 11 बजे सेल की टीम ने आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर बुराड़ी में तीनों बदमाशों को घेर कर जब सरेंडर करने को कहा, तब पवन शेरावत और आशु ने पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। मुठभेड़ में पुलिस टीम के एसआई विक्रम के बाएं पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पवन के भी पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया।